दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, गांव में एक शादी के दौरान रिसेप्शन के बाद में हमारी भाभी जी का देहांत हो गया था। तो रिसेप्शन की मैं वीडियो आज लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो अंतिम संस्कार का डालना जरूरी था, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्म भी करना था, इसीलिए मैंने पहले वो वाला ब्लॉग बना दिया था। तो उससे पहले का ब्लॉग मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं गांव जा रहा हूं, आज गांव के लिए रेडी हुआ हूं, बिकॉज भतीजे का आज रिसेप्शन है। शादी तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि कल 3 जगह जाना था और तबीयत भी ठीक नहीं थी। स्टिल वही कंडीशन है, घर में सब बीमार पड़े हैं यार, तो इस वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, रिसेप्शन अटेंड करके आते हैं, और उसके बाद आज एक बारात भी है, जहाँ कल मैंने आपको दिखाया था मेहता जी की, उनकी बेटे की। तो देखते हैं, पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा शायद बारात में जाना, बट देखते हैं, गांव से अगर टाइम से पहुँच गया मैं यहाँ तो उसको भी अटेंड कर लूँगा। तो चलिए अब फटाफट स्टेशन चलते हैं, वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था देखते हैं। तो दोस्तों, आज लेकिन मौसम बहुत खुशनुमा है, सवेरे सवेरे नीले आसमान है, हालांकि दोपहर में बादल आ जा रहे हैं, बट विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं है, बिकॉज चारों तरफ जंगलों में आग लगी हुई है। पता नहीं यार कौन है ये हमारे समाज के दुश्मन जो ये कृत्य करते हैं। A few moments later. तो गाइस, गाड़ी मिल गई है, बट अभी खाली है यार पूरी, अभी 9 बजे, देखते हैं कितने बजे तक भरती है, फिर निकलेंगे घर। ये है सामने मैक्स, अभी इसी का नंबर है, अभी इसमें कोई सवारी नहीं है, जैसे ही होती हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। आज जल्दी हो जाएंगी लग रहा है सवारी, बिकॉज गाड़ियाँ कम हैं आज। दोस्तों, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली गाड़ी में सवारियां पूरी हो गई और हम लोग निकल पड़े गुमदेश की ओर, चमदेवल। तो दुधारी थान होते हुए फिर उसके बाद में कुछ समय हमने पुल्ला में बिताया, फिर सीधा पहुंच गए अपने गांव चमदेवल। दोस्तों, फाइनली अपने गांव चमदेवल में पहुंच चुका हूं। तो गांव में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम भोलेनाथ जी के और शिवगण चम्मू चौकाम बाबा के दर्शन करते हैं। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं चमदेवल अपने गांव, यहां थोड़ा फटाफट से बधाई बधाई देते हैं, फिर निकलते हैं। थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, बिकॉज आज गाड़ियां भी नहीं है यहां की, मैं देख रहा हूं सारी गाड़ियां बुकिंग में, कोई पुल्ला से बारात जा रही है कहीं, तो सब गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं, तो गाड़ियाँ ही नहीं है यहाँ पर, बहुत पैसेंजर बैठे हुए हैं सवारियाँ स्टेशन में। तो फटाफट से देखते हैं, नहीं तो 3 बजे से पहले फिर कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली है यहाँ पे, जब बारात वापस आएगी तभी मिलेंगी यहाँ से गाड़ियाँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, यह है हमारा चमदेवल और सामने पीला टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे होगी खाने पीने की व्यवस्था। तो ये देखिए, यहाँ पे खाना लगभग बन चुका है, तो अभी एक बार ऊपर होके आते हैं। तो ये गेट है प्रवेश द्वार, ये बगल में ये डीजे लगा हुआ है, नाच गाने का प्रोग्राम यहाँ रात को होगा और शाम को होगा शायद। और दोस्तों, हमेशा के समान पानी का अकाल पड़ा हुआ है गर्मियों में, देखो ये हर जगह बर्तन है। लोहाघाट में भी यही हाल है, गाँव में भी हाल है, चैतोले मेले में तो बहुत ही बुरा हाल हुआ था। अभी देखिए सामने, यहाँ भी कुछ लोग पानी भर रहे हैं, ये शादी वाला घर है, यहाँ तो आप समझ ही सकते हैं कितनी परेशानी हुई होगी। दोस्तों, ये है शादी वाला घर, कल तो मैं बारात में जा नहीं पाया क्योंकि और भी व्यस्तताएं थी, तो आज मैं रिसेप्शन अटेंड करने आया हूँ यहाँ पे। ये पुराना मकान है और बगल में नया वाला, कुछ पल यहाँ बुजुर्गों के साथ गपशप करते हुए बिताया मैंने। एक यहाँ से व्यू देखिए गांव का, उनके फ्रंट का व्यू, ये कुछ फसलें कटी हुई हैं, लोगों ने शायद गेहूं कटाई हुई है। ये देखिए दोस्तों, पाथर का मकान पुराना हमारे गांव में किस प्रकार से होते थे, अब तो सब जगह लिंटर हो गया है। यार,
A few moments later. दोस्तों घर में बधाई देके मैं एक बार फिर चमदेवल आ गया जहाँ पे प्रीति भोज की व्यवस्था की गई है। खाना बिल्कुल लगने को तैयार है। दोस्तों ये लकड़ी में खाना बनता है ना हमारे गांव घरों में, इसको खाने का स्वाद ही अलग होता है यार। वो टेंट टेंट का खाना सब फेल हो जाता है। और जो यहाँ पे जो धोती पहन के खाते हैं जो चोख्या, वो देखना बहुत ही मन को सुकून देता है। हमारी प्राचीन परंपरा है ये, तो जो अभी भी इसको लेके चल रहे हैं तो उनको भी शुक्रिया है। और बाकी हम लोग तो वही पैंट जूता पहन के खाते हैं, खाने का नादर करते हैं, बट हमने ऐसा ही सीखा है, ऐसा ही देखा है। पर इन लोगों को सलाम है। तो यहाँ से खाना खाते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं क्योंकि वहाँ भी काफ़ी कार्यक्रम है लोहाघाट में। देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाता हूँ। तो ये खाना बिल्कुल अब परोसा जा रहा है। दोस्तों खाना हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ लोहाघाट वापस। और लकीली मुझे ये मेरे भतीजे हैं विकास, तो इनके साथ जा रहा हूँ लोहाघाट। ये मुझे ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इनको भी खटीमा जाना है। तो हम लोग खाना खा चुके हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों कुछ समय से मैं देख रहा हूँ जैसे ये गर्मियाँ आ रही हैं, लोगों ने जंगलों में आग लगाना शुरू कर दिया। ये हर जगह है, मैं न्यूज़ में भी देख रहा हूँ, नैनीताल वगैरह, टनकपुर से लेके आप यहाँ पिथौरागढ़ तक जाएंगे, हर जगह आग लगी हुई है। विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि सब जगह आग लगी हुई है। पता नहीं कौन है ये लोग, ऐसा करते हैं। अराजक तत्व तो कहा जाता है, बट मैं इनको अराजक तत्व तो नहीं कहूँगा। ये कोई एक ये ऑलरेडी ये प्लान्ड होता है सब कुछ, ये लोग जो करते हैं चीज़ें। हर जगह आग लगा दी है, समझ में नहीं आ रहा है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है ये सब कार्य। अब क्या बोलूँ यार इसके लिए मैं, अब खुद ही समझदार हैं, देख सकते हैं आप। One hour later. तो गाइस मैं गांव से आ गया हूँ रिसेप्शन अटेंड करके भतीजे की शादी का। फीवर हो रखा था यार, फिर भी जाना पड़ा मजबूरी में। और अभी बारात निकल रही है, आवाज़ आ रही होगी नीचे पटाखों की, तो नेताजी की निकल रही है बारात। अब मेरे में तो हिम्मत हो नहीं रही है, तो मैं लड़के को भेज रहा हूँ, ध्रुव जा रहा है, रेडी हो रहा है, तो बेटे को भेज रहा हूँ, ये बारात में होके आएगा। सो जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करते हैं। अभी दवाई खाई थी मैडम के लिए, दवाई खा लिया, थोड़ा रेस्ट रेस्ट करते हैं। कल भी है यार दो शादियाँ, देखते हैं। तो ये हैं हमारे पुत्र सुपुत्र जी, रेडी होके आ चुके हैं बारात में जाने के लिए। हेलो, चल फिर हो क्या है, कम कम खाना है, सब को दस्त लगे हुए, कहीं भी तेरे को भी लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं खाता है। चल फिर बाय, चल फिर जल्दी आ जाना है। A few hours later. तो दोस्तों अभी 4:30 बजे हैं और मैं अभी थोड़ा एक झपकी मार के उठ गया हूँ। अचानक भाई साहब का कॉल आ गया, कल भांजे की शादी है हमारे माँ साहब की, तो वहाँ थोड़ा देख के आते हैं क्या अरेंजमेंट हो रहा है, थोड़ा दीदी से मिल के आते हैं, तो इसीलिए अभी उठ गया हूँ। हालांकि थोड़ा क्रिटिकली हो रही है कंडीशन, बस थोड़ा रिकवरी हो गया, सोया था तो मेडिसिन खा के। अभी थोड़ी चाय पीते, एक लवली लवली सी चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं सीधा बिशन को। A few moments later. तो गाइस घर पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली हम लोग निकले थे यहाँ से बिशन जाने के लिए, दीदी के यहाँ बधाई देने और कुछ काम वाम हमारे लायक होगा पूछने के लिए भाई और मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी देर में कॉल आ गई घर से कि जो आज मैं रिसेप्शन में गया था ना, जहाँ पे रिसेप्शन चावल खाए मैंने, वहाँ पे उस घर की जो सबसे सीनियर मेंबर थी भाभी जी हमारी, उनकी डेथ हो गई है। तो काफ़ी बीमार थी वो काफ़ी टाइम से, तो कल उनका अंतिम संस्कार होगा। और अभी हम लोग अशुद्ध हो चुके हैं, जब तक टीका नहीं लग जाता अब हम कहीं जाने लायक भी नहीं है। अभी 2-3 दिन नहीं तो बहुत शादियाँ होती, काफ़ी फंक्शन अटेंड करने थे, तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो कल मॉर्निंग में जाना है मुझे पंचेश्वर, जहाँ हमारा अंतिम मतलब यात्रा वहीं पे जाके समाप्त होती है, हमारे जो भी लोग होते हैं वहीं हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, तो मिलते हैं दोस्तों कल आपको नए ब्लॉग में। तो अभी फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।